Dhanyavad. Shri Mahendrasinh Chauhan. Dhanyavad, madam. Mahodaya ji, Shri Arjun Meghwal ji, जो प्रस्ताव लेकर आए हैं कि पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों से बसे व्यक्तियों को समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा आग्रह करती है कि यह उन्हें नागरिकता प्रदान करने हेतु तथा तत्काल कदम उठाया जाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों उपलब्ध कराई जाए सुविधाएँ मुहैया कराए जाने के लिए मैं योजना तैयार करें ऐसा जो प्रस्ताव लेकर आए हैं उसके लिए मैं मेघवाल जी को अभिनंदन देता हूं और समर्थन देता हूं। महोदया जी, आज़ादी के समय हमारे देश एक अखंड हिंदुस्तान था, लेकिन हमारे कम नसीब से हमारे देश के तीन भाग में बंटवारे हो गए, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान और भारत। तब ऐसा माना जाता था कि जो जहां चाहता है वहां रह सकता है। तभी कई लोग पश्चिम पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, कई पूर्व पाकिस्तान से आए, लेकिन हजारों की संख्या में उस वक्त भी कत्ल हुई। जो हमारी आज़ादी का जश्न था वो हमारे लिए दुखद बन गया। महोदया जी, आज़ादी के समय पाकिस्तान में 75 लाख हिंदू थे और आज सिर्फ 18 लाख बचे हैं। आज पाकिस्तान की आबादी 17 करोड़ है और इसमें पहले 27% हिंदू थे, अब सिर्फ 2% बचे हैं। ये पाकिस्तान से हिंदुओं का बढ़ता पलायन गंभीर चिंता का विषय है। हमारे हिंदू क्यों पलायन हो रहे हैं? ये अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान में से हिंदुस्तान आ रहे हैं। वो कोई अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, लेकिन वो मजबूरी से आ रहे हैं। उनकी जो संपत्ति है उसको लूटी जा रही है। जो लड़कियां हैं उनको बाहर किडनैप करके ले जाते हैं और मुस्लिम युवकों के साथ उनकी शादी करवा देते हैं। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, उनका जो कारोबार है उनको भी बंद कर देते हैं। इतना प्रताड़ित करते हैं कि इनकी वजह से वहां बसे हिंदू लोग यहां भारत आ रहे हैं, लेकिन सरकार, पाकिस्तान की सरकार वैसे भी उनको वीजा नहीं देती आने के लिए। तो वो तीर्थयात्रा के नाम पर कि हम तीर्थयात्रा के लिए जा रहे हैं, हमें जाने दो, और वो अपने करोड़ों की संपत्ति छोड़कर हमारे देश में आते हैं। आने के बाद वो अपना जो दुख है वो हमारे सामने व्यक्त करते कि हमारे वहाँ कोई सलामती नहीं है, हमारी कोई सुरक्षा। एक मिनट महेंद्र जी, एक मिनट जरा। नाउ ऑनरेबल मेंबर्स, द एक्सटेंडेड टाइम फॉर दिस डिस्कशन ऑन दिस रेजोल्यूशन इज ओवर नाउ, बट इफ द हाउस एग्रीज द टाइम फॉर द डिस्कशन मे बी एक्सटेंडेड बाय another 1 hour, minister has to reply. 1 hour for minister has to reply. Now minister has to reply. Concluding yes. reply. It is concluding reply. Yes. For minister is to reply. Yes, Mahendra Singh ji. Ji ji. Thank this you. This is for the reply of the minister. Bas, 2 minutes main pura karta hun. Yes. जो हमारे हिंदुओं का वहाँ सुरक्षा नहीं मिल रही है, उसे लूटा जाता है, उसके नाम साथ जबरदस्ती की जाती है, महिलाओं के साथ भी बलात्कार किया जाता है। ये सब मुसीबतों की वजह से जब हिंदू हिंदुस्तान में आ जाते हैं, आज उसे संरक्षण हमारे देश में जो आए हैं ज़्यादातर राजस्थान में जोधपुर जैसलमेर के आसपास के विस्तार में वो आकर बसे हैं। तो हमारी मांग है कि वो हमारे देश पहले देशवासी थे, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, तो उनको नागरिकत्व का अधिकार मिलना चाहिए और इस भूमि पर उसको रहने की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी चाहिए और ताकि वो ये देश में सही ढंग से रह सके। इतना ही कहना है। आभार। थैंक यू मैडम। धन्यवाद।